हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज साक्षी धंजल और आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं 10,000 सब्सक्राइबर पे दे रही हूँ एक ह्यूज गिव अवे जिसमें आपको मौका मिल सकता है ट्रैवल विद मी का. एंड वन ऑफ यू और कैन बी टू ऑफ यू गेट द चांस टू ट्रैवल विद मी. सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लोकेशन ऋषिकेश से, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट एंड लवेबल डेस्टिनेशन है. सो गाइस, कल आपने देखा था मैं थी ओली, बट आज मैं हूँ ऋषिकेश. तो मैं कल रात को यहाँ पहुँची 9 बजे के आसपास. मैं जहाँ जा रुकी हूँ वहाँ पे कैंप्स और मेरे सामने जो है एक छोटा सा रेस्टोरेंट. मेरे सामने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. देयर इज़ अ ग्राउंड है एंड वी हैव यू नो दिस हेयर 6 कॉटेज विद अस, 1 स्विमिंग पूल. एंड मेरे सामने 5 लग्जरियस कॉटेज और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. नहीं, 6 है. ओके, देयर 6 लग्जरियस कॉटेजेस मोर. एंड उसके अलावा मैं आपको पता है इसके साथ क्या बताना चाहूँगी. हम बहुत लेट है उठने में बिकॉज वी बोथ वर रियली एग्जॉस्टेड. हाय, गुड मॉर्निंग. सो मैं स्टार्ट करती हूँ आज आपको प्रॉपर्टी के साथ. प्रॉपर्टी दिखाती हूँ गाइस. एंड मैं उतर रही हूँ अपने रूम से नीचे की तरफ. मेरे लेफ्ट साइड पर सारे कैंप्स हैं एंड मेरे सामने से मैं बता चुकी हूँ कॉटेजेस हैं. सो आई थिंक मैं बहुत बबल बबल करने वाली हूँ ब्लॉग पे. सो इस प्रॉपर्टी को मिस मत करना. दिस इज इन शिवपुरी एंड दे हैव एवरी काइंड ऑफ स्टे. इनका जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे सबसे अच्छा है कि दे हैव दी बफे सिस्टम. तो बफे सिस्टम में यू कैन गेट चॉइसिस ऑफ लॉट ऑफ फूड एंड ऑल. एंड सबसे मेरे बिल्कुल सामने बह रही है आपकी गंगा नदी. यहाँ पे शिवपुरी की तरफ आप थोड़ा सा ऊपर ऋषिकेश से आओगे तो आपको गंगा का फ्लो ना नदी का आई मीन गंगा जी नदी का फ्लो जो है वो थोड़ा कम पड़े मिलेगा. पता नहीं ये रास्ता शायद यहाँ से वहाँ जा रहा है. लेट्स जस्ट ट्राई दिस ट्रेल. और मेरे सामने बिल्कुल गंगा नदी बह रही है बट आई गेस बहाव बहुत स्लो है अभी. आई एम नॉट श्योर क्यों. माई गॉड, लेफ्ट साइड तो लोगों ने पूरा बीच एरिया बना रखा है इस जगह को. मेरी राइट साइड, सॉरी. Can you see people? Can you see people bathing? I mean bathing. And I don't think so कि यहाँ पे जो है राफ्टिंग होती है. इतना फ्लो नहीं है ना, इतना पानी है ना, इतना कुछ है. You must be wondering कि मेरा रमन कहाँ है. रमन को मैं रूम में छोड़ आई हूँ बिकॉज ही वॉज एक्चुअली नॉट रेडी. और 12:30 का टाइम हो रहा है इस वक्त और आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है. सो आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है इस जगह के अलावा. और ये जगह आपकी पड़ती है अराउंड पटना वाटरफॉल के रास्ते पे, बिल्कुल सीधा 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 आते आते. मेरी गाड़ी कुछ पार्कड है, मतलब हमारी गाड़ी कुछ पार्कड है ऊपर की तरफ. नीचे आपको पैदल आना पड़ता है. इट्स लिटिल एडवेंचर बट इट इज़ एक्चुअली फन. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैंप टेंट एरिया से, जो कि एक रूम में आपकी सबसे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं. और इन्होंने रूम ऐसे मेंटेन करे हैं कि वो कोज़ी रहें. और प्लस अगर आपको गर्मी लग रही है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, सो इनके रूम्स में आपके लिए मतलब एसी और कूलर सबकी फैसिलिटी है. एंड दे हैव अ ह्यूज ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड आपके सामने जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो. बेस्ट फॉर द फैमिली वेकेशन. और जब मैं रुकी तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्लेइंग वॉलीबॉल ऑल्सो. सो दिस इज़ द अदर रूम जिसमें मैं रुकी थी. दिस इज़ द एरिया ऑफ द प्रीमियम काइंड ऑफ रूम्स. सो दिस इज़ बेसिकली कोजी रूम्स जिसकी की कैटेगरी है ये लिटिल बिट हायर है आपके टेंट से, जिसमें आपके अलमीरा आपकी भी फैसिलिटीज़ है और व्यू तो आप देख सकते हो विच इज़ एक्चुअली मेसमराइजिंग. और शाम को जब यहाँ पर सूरज ढल रहा होता है तो यू नो वो टाइम देखने वाला होता है. बेसिकली दिस इज़ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द रूम जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगे, इसलिए मैंने अपना रूम यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था. एंड दिस इज़ विद अ मिरर, अ बिग मिरर एक्चुअली. एंड दिस आर एक्चुअली वेरी कोजी रूम्स जिसमें आपको वार्मर थोड़ा सा प्रीमियम से ज़्यादा मिलेगा. दिस इज़ काइंड ऑफ हॉट रूम. और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की कि आपको पानी 24x7 गर्म मिलेगा. और दूसरी चीज़ आपको वाईफाई मिलेगा 24x7. और उसके अलावा आप अपने आप को एंटरटेन भी 24x7 कर सकते हैं बाहर की बैठ कर, उसकी जगह की वाइब इंजॉय करके. मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट रूम कौन सा लगा. मुझे यही वाला लगा जो लास्ट था, बट आपके एक रिव्यूज़ लेने बहुत ज़रूरी है गाइस.
और अगर मैं नाइट टाइम की बात करूँ तो अगर आप डेट प्लान कर रहे हैं तो ये एरिया आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सामने स्विमिंग पूल, यहाँ पे बॉनफायर होती है। आज गेस्ट कम है क्योंकि मैं यहाँ 3 दिन से रुकी हुई हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी का व्लॉग बहुत स्लो बनाया इस बार, नहीं तो आई यूज़ टू मेक द व्लॉग लाइक फटाफट से। सो मैं आपको बताना चाहूँगी, सी आई एम गोना टेक आउट द गिव अवे। एक तो मैं गिम्बल निकाल रही हूँ 5000 सब्सक्राइबर्स पे, और 10,000 सब्सक्राइबर्स पे आप मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो। कोई भी एक लोकेशन मैं आपको अपने साथ ट्रैवल पे लेके चलूँगी, जो कि मेरी तरफ से फुल फ्लेज कॉम्प्लीमेंट्री होगी। सो आई चूज़ अ पर्सन जिसको मैं लेके जाऊँगी। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करो और वेट करो, देखो कि कौन जीतता है। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत देर से वेट हो रहा है। इनका बफे सिस्टम है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आई सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग।